तो आज की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल के एडवांस पेजेस के बारे में। तो लास्ट क्लास से मैंने आपको एक रिजल्ट दिया था, जैसे कि हम यहाँ पे 20 को कॉपी करके 30 पे पेस्ट करते हैं तो 30 हमारा 20 से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल में अगर मान लीजिए अगर हम करते हैं एड, तो 30 और 20 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है और रिजल्ट यहाँ पे 50 आ जाता है। ठीक है, हाँ जी हमारा 50 आ जाता है। अब बात होती है कि इसके ऊपर और क्या यूज हो सकता है। कई सारे एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल जो मैं रियल लाइफ का है बताता हूं कि हमारे एक कलीग थे जो मुझे एक सेल्स परसेंटेज भेजा करते थे, तो कुछ इस तरह से भेजते थे मुझे, वो तो परसेंटेज का सिंबल लगा के और मुझे इस तरह से भेजते थे। जानिए कि उससे पहले परसेंटेज गिना जाने क्या होता है। जैसे कि अगर आपने 20% लिखना है एक्सेल में, तो 20 और परसेंट का सिंबल डालिए, एंटर मारिए, 20% आएगा। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कि अगर आपने 20 लिखा और इसके ऊपर परसेंट का सिंबल अगर आप दे देते हैं, तो ये आपका 2000 हो जाता है, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। 1 = 100% 100% होता है। तो अगर आपको बाद में परसेंटेज सिंबल लगाना है, तो यहां पे 0.20 रखेंगे और यहां पे परसेंटेज देंगे। तो सेम यहां पे वो जो मुझे दिए 75 इन द नंबर फॉर्मेट में दे दिया। अब मैं इस पे परसेंटेज का सिंबल लगाऊंगा तो 75 100 हो जाएगा। अब मुझे इस डेटा को जहां यूज करना है वहां पे 75% इस तरह का चाहिए, मतलब 0.75 चाहिए। उस केस में कैसे करें, क्योंकि ये तो जो छोटा है लेकिन वो डेटा भेजते तो काफी बड़ा होता था। तो मैं क्या करता था कि 100 एक सेल पे लिखता था अलग कहीं, और फिर 100 को कॉपी करके पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेता था, राइट क्लिक स्पेशल, और यहां पे मैं डिवाइड करता था। तो हर नंबर 100 से डिवाइड हो जाएगा तो परसेंटेज इजीली लग जाएगा ना, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं तो एक-एक परसेंटेज लगाना वो काफी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे और भी चीजें हो सकती है, आप इस पर रुकिएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा हमारे पास कुछ डेटा है। इस डेटा में मान लीजिए कि मैं ये पेस्ट करता हूं और इसमें हमारे कुछ नंबर्स हैं। ये नंबर्स क्या है, अपडेट हुए हैं। क्यूसी टीम को बोला कि क्रॉस चेक करो, तो क्यूसी टीम ने क्रॉस चेक किया और क्रॉस चेक करने के बाद पाया इसमें इस तरह की चीजें हो सकती है। आप इसमें क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया और इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमने कर दिया पेस्ट एज ए लिंक, सॉरी माफ कीजिए, स्किप ब्लैंक, मैं दिमाग में उछला गया था, सॉरी, पेस्ट ब्लैंक। ये क्या करेगा, जो एरिया कॉपीड है उसमें से ब्लैंक को स्किप कर देगा, ब्लैंक को स्किप कर देगा और पेस्ट उसी को करेगा जो डेटा है। एंड ओके, क्लियर है। हाँ इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब आती है ट्रांसपोज की बात। जैसे कि मान लीजिए कोई डेटा हमारे पास है, उसको हॉरिजॉन्टल है तो उसको हम वर्टिकल में करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में,
हो गया सर। इसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या करता है, नेम को ऊपर कर दिया, सेल्स को नीचे कर दिया, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया। इसका यूज हम लोग चार्ट वगैरह में करते हैं। ओके, हमारी आती है लिंक, पेस्ट एज लिंक। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक ही चीज को कई जगहों पर चाहिए होता है। मैं चाहता हूं जो 85 यहां लिखा हुआ है वो यहां M2 पे भी शो करे, और 85 चेंज हो तो M2 भी अपने आप को चेंज कर ले। इक्वल प्रेस करके अगर आप M2 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पे M2 आपको दिख रहा है। आगे अब मैं यहां पे अगर 90 करूं तो 90 हो जाएगा क्या? हाँ जी, हाँ जी। प्रॉब्लम आती है कि इसको कॉपी करके अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट एज ए लिंक किया, क्योंकि एक छोटा सा एक सेल करना इक्वल कर देगा लेकिन एक एरिया कॉपी करना है, लिंक करना है, तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक कीजिए, देखिए लिंक हो गया। ओके, ठीक है। इसका यूज हम कर सकते हैं। पेस्ट एज ए लिंक के बाद आता है पेस्ट एज ए पिक्चर। मान लीजिए कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कॉपी करके ये और पेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन छोटा या बड़ा। तो अगर मान लीजिए इस कॉलम को बड़ा हम करते हैं तो नीचे भी चीजें जो बड़ा हो जाएगा, छोटा करते हैं नीचे की चीज बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो साइज को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट से पिक्चर कर देते हैं। इसे पिक्चर करने के बाद देखिए मैं इसको आसानी से बड़ा कर सकता हूं और आसानी से इसको छोटा कर सकता हूं। ओके, इसको रोटेट भी कर सकता हूं। mm-hmm. सेम सीट अनदर सीट या कोई और अनदर जगह पे भी जा सकता हूं मैं इसको लेके। क्लियर है सर? हाँ जी। अब बात आती है कि ये तो चल ठीक है, अगर हम डेटा अपडेट करते हैं तो यहाँ अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे 100 कर दिया तो यहाँ 100 नहीं होगा। चाहते हैं पिक्चर भी रहे और डेटा अपडेट भी हो। इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा। पेस्ट से पिक्चर लिंक करने से क्या हो गया कि अब ये अपडेटेड होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो 10 हो जाएगा, 85 करता हूँ 85 होगा। अगर मैं कोई कलर चेंज करता हूँ, जैसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया डिफरेंट कलर से, सेम सीट अनदर सीट अनदर फाइल। अब मान लीजिए कल के डेट में एक नाम जुड़ गया, क्या मुझे फिर से कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी? जी नहीं। जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे ऊपर एक फॉर्मूला दिखेगा, क्योंकि एक्सेल में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेल सीट से लिंक होता है तो बाय फॉर्मूला। ओके, यह E1 से F7 दिख रहा है ना? हाँ। F7 को मैं यहाँ पे F8 करके एंटर मार देता हूँ। आ गया सर? ओ ठीक है। तो अगर F8 अगर 17 तक करेंगे फॉर एग्जांपल, राइट, F17 तक करेंगे और डेटा ऐड हो जाएगा, सो उसमें F18 तक लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर हमें चाहिए सिर्फ 14 तक तो 14 तक लगाना पड़ेगा, राइट? जी हाँ। लेकिन आप मान लीजिए कि ब्लैंक है और आपने लगा दिया तो फिर यहाँ ब्लैंक दिखेगा सर। ओ ठीक ठीक, ओके, गॉटचा, ठीक है ना? आइए सर, इसके भी कुछ ये होते हैं, अपडेटेड होते हैं, आपको बताऊंगा मैं। फॉर्मूले वगैरह यूज करना होता है इसके लिए। ओके, ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसी का जरूरी नहीं है कि हम इसे एक्सेल पे करें, इसको हम एमएस वर्ड पे भी कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए कोई डेटा है, कोई डेटा है, कोई सीट है, इसको आपको बराबर एमएस वर्ड पे लेके कॉपी पेस्ट करना होता है, जस्ट लाइक समरी या कोई टेबल होता है ना।
कुछ बनाते हैं, कुछ लेटर वगैरह बनाते हैं, उसके बीच में कोई डेटा होता है, समरी होता है, या कोई रेट कैलकुलेटर होता है, कोई कैलकुलम होता है, तो उसको आप चाहते हैं वर्ड पे लाना, तो बार बार कॉपीज करना पड़ता होगा। तो वर्ड के अंदर भी पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक होता है, तो वर्ड पे जाना है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में, और ये आता है पेस्ट एज ए लिंक, ओके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड ओके। अभी क्या होगा कि कल के डेट में मान लीजिए कि मैं कुछ चेंज करता हूँ, चाहे कलर हो या डेटा, तो वर्ड भी चेंज हो जाता है। अच्छा ये लिंक, अच्छा हमने वर्ड में सेम चीज अगर लिंक करके देखिए कैसे किया हमने, हमने इसको कॉपी किया, ओके पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक नहीं करेंगे, पेस्ट के नीचे जो दिख रहा है ना एरो निशान, हाँ हाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको पेस्ट स्पेशल दिखेगा, स्पेशल दिखेगा, ठीक है। इसमें पेस्ट होता है, नॉर्मल पेस्ट होता है, दूसरा होता है पेस्ट एज ए लिंक। ओके लिंक में एक्सेल वाला पार्ट को सिलेक्ट करें, ओके कर दें। ओके सेम आपका होता है पावर पॉइंट में, आपका पावर पॉइंट होता है। पेस्ट स्पेशल, इसका यूज आउटलुक में भी सेम होता है। अब सर आउटलुक में क्या, आप ऐसा तो नहीं कि मैं आप आउटलुक में आपने किसी को मेल कर दिया, आप यहां चेंज करोगे तो वहां चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन आउटलुक भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं करता, मैं इसमें था डुलक्स पेंट में काम करता था, तो तारीख के बाद हर दिन हर घंटे सेल्स का अपडेट देना होता था, इसका अपडेट हमें एक सॉफ्टवेयर से देना होता। उस सॉफ्टवेयर में डेटाबेस को अपडेट करता था, डेटाबेस से मेरी समरी अपडेट हो जाती थी, डेटाबेस से मेरी समरी जो है हो जाती थी। तो प्रॉब्लम क्या होता था कि मुझे हर घंटे मेल करना पड़ता था, तो हर घंटे हम न्यू मेल पे जाते थे, मेल आई डालते थे, या फिर रिप्लाई पे भी करते थे, यहाँ पे टू में डालते थे हम यहाँ पे, और सब्जेक्ट वगैरह डालते थे सेल्स अपडेट, और यहाँ पे डियर ऑल देते थे बिलो सेल्स अपडेट, और यहां पे हम डालते थे देन थैंक्स एंड रिगार्ड होता था, ये हर बार मुझे करना पड़ता था। तो मैंने क्या किया कि एक्सेल सीट पे गए, किया आपने अपडेट एरिया को, फिर यहां और इसके अंदर भी पेस्ट स्पेशल होता है वर्ड की तरह, ओके पेस्ट से लिंक कर दिया। अब ऐसा मैं लिंक करके मैं फिर मैं सेंड कर दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि सेंड मेल जो है वो एडिट नहीं होता है, लेकिन मुझे बार बार भेजना है ना सर। हाँ जी, इसको हम लोग कर लेते थे सेव एज, और सेव एज कर लेते थे किसी एक लोकेशन पे सेल्स अपडेट माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट में, ठीक है सेव, उसके बाद सेंड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अपना डेटा चेंज करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ पूरे को, अब मुझे मेल करनी है, मतलब मेरा डेटा अपडेट हो गया, एक घंटा पूरा हो गया, मुझे मेल करनी है, तो बस कंपोज नहीं करना है मुझे, अब लोकेशन पे जाना है और बस इसको ओपन करना है, यस पे क्लिक करना है, ओके मेल पूरा टाइप किया हुआ और डेटा चेंज, ओ चेंज भी हो गया, ओके नाइस, बस मुझे सेंड करना है, सेंड हो गया। हाँ जी, डेट में मान लीजिए डेटा चेंज हुआ, मान लीजिए मैं इसको कर देता हूं
ग्रीन, एक घंटे बाद फिर मैं यहां पे इस पे डबल क्लिक, ओके यस पे क्लिक किया, चेंज हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि आपका चेंज ना हो, क्योंकि होता है सर, सिस्टम ही है ना। क्लिक कीजिए अपडेट लिंक, ओके चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं पेस्ट स्पेशल के लास्ट टॉपिक का। लास्ट टॉपिक क्या है सानी है, मेरे पास एक डेटा है, एक छोटा सा डेटा बना रहा हूं, ठीक है सर, 21 सीट में, एक सीट में नहीं है, कई सीट में, हम कई सीट पे डाल देते हैं कॉपी। अब प्रॉब्लम क्या है कि सारे डेटा को मुझे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है, समझे। तो आपको क्या करना है कि एक अलग डेटा में मुझे कॉपी पेस्ट करना है, यहां पे डेटा लिख देता हूं। तो आपको पहले इस पे जाना होगा, कॉपी करना होगा, इस पे आना होगा, यहां पेस्ट करना होगा, करना होगा, कॉपी करना होगा, फिर नीचे आना होगा, पेस्ट करना होगा। तो मैं ये तो नहीं करा कि जो है ऑटोमेटिक हट जाएगा, लेकिन इसको हम 50% कम कर सकते हैं। ओके, यहां जो क्लिपबोर्ड दिख रहा है ना, इस क्लिपबोर्ड क्लिक करेंगे। अब आपको जस्ट कॉपी करना है, क्या करना है, सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, जो भी कॉपी कर रहे हैं क्लिपबोर्ड में स्टोर होते जा रहा है, एक साथ 24 यानी लिखा है ना 24। अच्छा, जब कॉल हो गया आपको पेस्ट करना है, जब कॉपी हो जाएगा पेस्ट को करना है, पेस्ट ऑल पे क्लिक। अच्छा, पेस्ट ऑल है, ठीक है। ओके, और जरूरी नहीं कि एक्सेल टू एक्सेल, जैसे आप इंटरनेट पे ही कुछ डेटा सर्च कर रहे हैं, आपको कई जगह पे डेटा मिला था, कॉपी करके वापस आना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप उसको पेस्ट करते जाइए, ठीक है। हाँ जी, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक थी हमारी, पेस्ट क्लिपबोर्ड की टॉपिक थी, पेस्ट स्पेशल हमने क्लियर कर लिया। हाँ जी, बात करेंगे